हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री की जान है। हमारी 10th की केमिस्ट्री की जान है ये कि किस तरीके से हम कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो बेसिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। अब कुछ कंपाउंड जो और बच जाते हैं, जो हमारे ट्रिक्स से छूट जाते हैं, उनकी बात हम आज करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक यही है, इसी के अंदर पार्ट सेकंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनकी देखो, अब कुछ एक कंपाउंड्स में तुम्हें बताऊंगा, एलिमेंट्स बताऊंगा, तो उनकी कोई ट्रिक नहीं है, उन्हें डायरेक्ट लर्न रखना है। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी करेंगे, फिर मैं तुमसे सारे क्वेश्चन करा दूंगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर, एक एक कंपाउंड का फॉर्मूला तुम खुद से बना लोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले सम स्पेशल केसेस लिख देते हैं, केसेस, सम स्पेशल केसेस जो कि वहां अपने नहीं आए। जैसे सबसे पहला है आयरन। आयरन के चार्ज की बात नहीं करी थी अपन ने, तो आयरन के स्टूडेंट्स दो चार्ज होते हैं, Fe, आयरन को Fe से दिखाते हैं, ठीक है। तो Fe प्लस टू या Fe टू प्लस, जैसे तुम्हें लिखना चाहो, इट डजेंट मैटर मच। और Fe प्लस थ्री, ठीक है। हालांकि सही तरीका टू प्लस बताते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने खुद ने ही कहीं पे प्लस टू लिख रखा है, कहीं पे टू प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। तो आयरन पे दो चार्ज होते हैं, Fe प्लस टू, Fe प्लस थ्री। तो इस Fe प्लस टू वाले को बोला जाता है फेरस। क्या बोला जाता है? फेरस। जैसे फेरस क्लोराइड, तो फेरस क्लोराइड का मतलब क्या है कि Fe प्लस टू और क्लोरीन, मतलब क्लोरीन माइनस वन, तो टू इधर जाएगा, ये इधर, तो FeCl2 बन जाएगा। समझ में आई बात? तो फेरस का मतलब समझ जाना, Fe प्लस टू, और Fe प्लस थ्री को बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक। आयरन का ग्रीक वर्ड जो होता है वो ऐसे ही कुछ फेरस वेरस नाम से शुरू होता है, इसलिए इसे Fe से दिखाते हैं हम, ठीक है। तो फेरस, और इसको कभी कभी आयरन भी बोल देते हैं। सिंपल आयरन का मतलब समझ जाना Fe प्लस टू है, अगर Fe प्लस थ्री है तो वो हमेशा फेरिक ही होगा, हमेशा क्या होगा रे, फेरिक होगा। समझ में आई बाबू मुशाए? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर की। ये बहुत कॉमन यूज़ होते हैं, बार 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 आयरन की बात करेंगे, बार बार कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर में भी सेम केस है, इसे हम बोलते हैं Cu। कॉपर को कैसे दिखाते हैं? Cu, तो Cu प्लस टू और Cu प्लस थ्री। कभी कभी कॉपर Cu प्लस में भी रहता है, लेकिन उसके बाद हम 10th में नहीं करते हैं। तो Cu प्लस टू का मतलब क्या है? क्यूप्रस, क्यूप्रस, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? क्यूप्रिक। क्या है? क्यूप्रिक। ईसा कभी कभी हम सिंपल कॉपर भी बोल देते हैं। अगर सिंपल कॉपर, कॉपर क्लोराइड बोल रहा है, कॉपर सल्फेट बोल रहा है, तो उसका मतलब है Cu प्लस टू है। समझ में आई बात? और क्यूप्रिक बोल रहा है तो फिर Cu प्लस थ्री। इसे एक और तरीके से दिखाते हैं, ऐसे कॉपर और फिर ऐसे ब्रैकेट में थर्ड लिख देते हैं, ऐसे थर्ड रोमन लेटर में। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर पे क्या चार्ज है? प्लस थ्री, ठीक है। तो अभी से याद रखने की कोशिश करो कि आयरन मतलब Fe प्लस टू और Fe प्लस थ्री। Fe प्लस टू को बोलते हैं फेरस और Fe प्लस थ्री को बोलते हैं फेरिक। Fe प्लस टू को फेरस, फेरिक। इसके बाद कॉपर को Cu प्लस टू, क्यूप्रस, और ये क्यूप्रिक। अगर सिंपल कॉपर बोल रहा है तो Cu प्लस टू। नेक्स्ट सिल्वर। सिल्वर में कोई दुख की बात नहीं है, सिल्वर को दिखाते हैं Ag से। Ag, Og, Log, सुनो जी, तो Ag पे चार्ज होता है प्लस वन, ठीक है ना। तो वन तो अपन लिखते ही नहीं है, तो Ag प्लस। नेक्स्ट आता है लेड। लेड पे चार्ज होता है प्लस टू। लेड पे क्या चार्ज होता है दोस्तों? प्लस टू। और इसके अलावा एक लास्ट बचता है हमारा जिंक। जिंक पे चार्ज होता है प्लस टू। जिंक पे भी प्लस टू। और कोई बच रहा है क्या? चेक कर लेते हैं, नहीं और कोई नहीं बच रहा है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज वाले यानी कि मेटल्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ? मेटल्स की, तो फिर उनमें ये ही है जो हमारे उस ट्रिक्स में नहीं आते हैं। जब भी आयरन दिखे डायरेक्ट
Fe+2, फेरिक दिखे Fe+3, फेरस दिखे Fe+2, क्यूप्रस दिखे Cu+2, क्यूप्रिक दिखे Cu+3, जिंक मतलब Zn+2 ही होगा हमेशा, लेड मतलब Pb+2 ही होगा, और सिल्वर मतलब Ag+, क्लियर? ठीक है, लेड एक एक्सेप्शन है, हालांकि इसे हमने वहाँ टेबल में भी देखा था, केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम, पीबी लेड वहाँ पे वो +4R था, लेकिन लेड दोनों दिखाता है, +4 भी +2 भी, लेकिन अभी 10th के अपने सिलेबस में केवल +2 वाले कंपाउंड्स हैं, तो हम इसे याद रखेंगे, ठीक है? लेड पे क्या होगा +2, जब हम 12th में आएंगे तो हम ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि कभी कौन ऐसा दिखा रहा है, कौन ऐसा क्यों दिखा रहा है, वो सारी चीज़ें, कि लेड +4 भी दिखा रहा है, +2 भी, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अभी के लिए हम पहले बेसिक तो सीखें, तो लेड पे क्या चार्ज होगा +2, क्लियर? नोट करो, नोट कर डालो रे, फिर माइनस चार्ज वाले और देख लेंगे जो बच रहे हैं। चलो, सिल्वर पे Ag+, जिंक पे Zn+2, लेड पे Pb+2, आयरन पे, सर आयरन कौन सा, सिंपल आयरन तो Fe+2, फेरस तो भी Fe+2, फेरिक तो Fe+3, क्लियर है क्या बात? चलो अब बात करते हैं नंबर सिक्स या फिर नंबर 1 ही लिख देते हैं अपन वापस से। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव वाले आयन्स की, यानी कि एन आयन्स की, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं सल्फेट। सल्फेट का मतलब क्या है? सल्फेट का मतलब होता है SO4-2-, SO4-2-, ये पूरा का पूरा कहलाता है सल्फेट। एस फिर चार ऑक्सीजन और चार्ज क्या है इस पे 2-, पूरे पे चार्ज है 2-, क्लियर है? यानी कि वैसे चार्ज आता तो सल्फर पे है, लेकिन हम बात करेंगे पूरे के ऊपर। इस पूरे को एक ही एनायन माना जाता है, ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग है, पूरा एक ही एनायन माना जाता है, ठीक है? तो सल्फेट का मतलब क्या हो जाता है SO4-2-, क्लियर? सल्फेट ये है, और सल्फाइड ये है S2-। सल्फेट का मतलब तो है SO4-2-, और सल्फाइड का मतलब है S2-। थोड़ी सी बारीकी है जो कि दिमाग में रखनी है। इसके अलावा देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सीख जाओगे ना तो आधा डर चला जाएगा हमारा केमिस्ट्री का, क्योंकि हमें आधे टाइम तो कंपाउंड ही समझ में नहीं आते हैं कि ये वाला कौन सा कंपाउंड है, ठीक है? तो सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, अब आता है हाइड्रोक्साइड। अब देखो, इसका तो नाम में ही छुपा हुआ है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, यानी कि OH, और इस पर चार्ज आता है -1, हाइड्रोक्साइड हो जाता है OH-, क्या हो जाता है रे, OH-। इसके बाद करते हैं बात कार्बोनेट की, कार्बोनेट का मतलब है CO3, और चार्ज आता है 2-, CO3-2-, या -2 जैसे तुम लिखना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, CO3-2-, ये भी वही पूरा का पूरा एक एनायन है, इसमें ये चार्ज जो है किस पे, ये कार्बन पे है, ठीक है ना, लेकिन ये पूरा का पूरा कोई हम एनायन मानेंगे, क्लियर है बात? ये हो गया कार्बोनेट। अभी मैं एग्जांपल लूँगा और मज़ा आएगा और समझ में आएगा। तो सल्फेट, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, क्या कुछ बच गया? हाँ बच गया नाइट्रेट होता है NO3-, क्लियर? ये 5 हो गए अपने नेगेटिव चार्ज वाले स्पेशल केस। पॉजिटिव चार्ज वाले क्या थे? आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, जिंक। यहाँ सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, वो तो मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं हो, और एक नाइट्रेट, क्लियर? नोट इट डाउन। बस अंत की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। पांच वो, पांच ये, ठीक है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर केमिस्ट्री में तो रटना पड़ता है, केमिस्ट्री बहुत बुरा सब्जेक्ट है। नहीं, पांच वो, पांच ये, इतना तो तुम एक इंग्लिश के आंसर को रटने में ही लगा देते हो,
ठीक है, 3 लाइनों का आंसर, 4 लाइनों का आंसर उसे रटने की बजाय इन 5 को याद रख लो, बस इतना सही तो याद रखना है, फिर तो मज़ा आएगा। अभी सवाल करेंगे हम, थोड़ा सा रटना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन केमिस्ट्री से ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई दूसरा नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट डालोगे बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन सही डायरेक्शन में एफर्ट डालना है, और इसीलिए तो मैं हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे चलते जाओ मज़ा आएगा एकदम। क्लियर? अब हमने बात कर ली पॉजिटिव चार्ज वालों की, हमने बात कर ली नेगेटिव चार्ज वालों की, अब हम बात करेंगे कुछ न्यूट्रल कंपाउंड की जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है। केटायन की बात कर ली, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? केटायन। नेगेटिव चार्ज को एनायन, ठीक है, पढ़ेंगे। और अब न्यूट्रल वालों की बात कर लेते हैं, तो न्यूट्रल के केस में स्पेशल केस क्या है? सबसे पहला वाटर, वाटर का फॉर्मूला तो हमें बचपन से पता है, H2O। दूसरा क्या है? दूसरा है अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया होता है NH3। क्या होता है? NH3 गैस होती है, गैस होती है अमोनिया। क्लियर है बात? इसके बाद होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड होता है ये, ठीक है, HCl। और एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4, H2SO4। ये जो अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, वहाँ पे ये चीज़ें काम आएगी, तो ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। अब यहाँ अपनी वो ट्रिक काम नहीं करेगी फॉर्मूला वाली, इनकी क्या है कि ये कॉमन नेम है, तो ये हमें नाम सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए, याद रहना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, अमोनिया मतलब NH3, वाटर मतलब H2O। क्लियर? नोट कर लो, ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक चीज़ और रह गई, जैसे किसी के नाम के पीछे गैस आ जाता है, जैसे कोई बोले हाइड्रोजन गैस, कोई बोले नाइट्रोजन गैस, कोई बोले क्लोरीन गैस। देखो ये बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताता है, तो इन्हें ये हम या तो एक्सपीरियंस से सीखते हैं गलतियाँ कर करके, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, तो अच्छे से याद रखो, फिर कुछ भी गलती नहीं होगी, पहले ही गलती नहीं होगी, हम उनसे समझ जाएंगे। क्लोरीन गैस, कोई बोले ऑक्सीजन गैस, जब भी गैस पीछे आ जाता है ना जनरली, तो उसके टू हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलते तो एच, लेकिन हाइड्रोजन गैस बोल दिया तो H2 गैस, नाइट्रोजन बोलता तो N, नाइट्रोजन गैस बोल दिया तो N2 गैस, क्लोरीन बोलता तो Cl, क्लोरीन गैस बोल दिया तो Cl2 गैस, ऑक्सीजन बोलता तो O, ऑक्सीजन गैस बोल दिया तो O2 गैस। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये 5 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव और 5 न्यूट्रल, इन्हें याद रख लो, दुनिया का हर कंपाउंड का फॉर्मूला बना दोगे रे। अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, सवाल करेंगे मज़ा आएगा, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। 5 केटायन कौन से थे? सर आयरन, कॉपर। आयरन में क्या था? Fe+2, Fe+3। Fe+2 को बोलते हैं फेरस या आयरन, Fe+3 को बोलते हैं फेरिक। कॉपर, सर कॉपर भी दो तरीका था, Cu+2, Cu+3। कॉपर को बोलते हैं क्यूप्रस, Cu+2 को, और इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। सिंपल कॉपर बोल रहा है तो भी Cu+2 है। इसके अलावा थर्ड था सर सिल्वर, सिल्वर पे होता है Ag+। फोर्थ था लेड, Pb+2। और फिफ्थ था जिंक, Zn+2। इसके बाद आ जाते हैं हम एनायंस पे, नेगेटिव चार्ज वालों पे। तो नेगेटिव चार्ज में सबसे पहले पढ़ा था सल्फेट, SO4 2-, और उसी का छोटा भाई सल्फाइड, सल्फाइड होता है S2-। इसके बाद हमने देखा था नाइट्रेट, NO3-, हाइड्रोक्साइड OH-, और एक और कुछ और रह जाता है कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या था? CO3 2-। और अब हमने देखे न्यूट्रल वाले, न्यूट्रल में वाटर H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, सब में 2 लगा देना है, और इसके अलावा अमोनिया NH3। क्लियर? तो जैसे मुझे याद हो गया ऐसे तुम भी कर लो। हैं सर आप तो पहले ही पढ़ चुके हो। हाँ तो ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं सवालों की झड़ी लगाने जा रहा हूँ। हो गया काम खत्म, ये टॉपिक खत्म हो गया अपना, अब तो बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो एक के बाद एक क्वेश्चन मैं तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर रखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स।
to your maths, you got to write these solutions. First question is sodium hydroxide. अब मैं वो वाले नहीं ले रहा हूँ जो कि लास्ट क्लास में लिए थे. पहला हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हो गया सोडियम सल्फेट, तीसरा हो गया बेरियम सल्फेट, फोर्थ हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बनाते जाओ बनाते जाओ, शुरू से कोशिश करते जाओ, ट्राई करते जाओ. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड. पहले इन 10 को करेंगे, फिर कुछ और करेंगे. जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें आ नहीं जाता. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. देखिए क्या मांझी द माउंटेन मैन, अच्छी पिक्चर है यार. सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का मतलब Na, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है OH-. सोडियम पे क्या चार्ज आता है सर? हे ली ना, ना मतलब सोडियम, पहला ही ग्रुप है तो प्लस वन चार्ज आता है, प्लस वन. इस पे माइनस वन, सर वन इधर वन इधर, तो ये हो गया NaOH. वन तो अपन लिखते ही नहीं है तो NaOH, तो ये फॉर्मूला हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का. क्या हो गया? NaOH. समझ में आया? अब सोडियम सल्फेट का तुम खुद से करके बताओ, वीडियो पॉज करके ट्राई करो. 1 2 3 अब सही हूँ. Na प्लस, सोडियम मतलब तो Na प्लस, सल्फेट सल्फेट मतलब SO4 2 माइनस, सल्फेट मतलब SO4 2 माइनस. तो यहाँ तो वन है तो वन इधर जाएगा और टू इधर आएगा, तो क्या हो गया Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट. क्लियर है क्या बात? इसके बाद बात करते हैं बेरियम सल्फेट. वीडियो पॉज करके ट्राई करो क्या होगा बेरियम सल्फेट का, जब भी सीखोगे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है खुद से ट्राई करना, ठीक है? खुद से ट्राई करो. Ba+2 और सल्फेट SO4 2 माइनस. देखो खुद से ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे मैं तुम्हें बहुत बार ये एग्जांपल दे चुका हूँ लेकिन मैं बार बार तुम्हें रिमाइंड कराऊंगा ये चीज़ कि सपोज़ करो मुझे तुम्हें साइकिल चलाना सिखाना है, तो मैंने तुम्हें साइकिल चला के दिखा दी. अब तुमसे बोलूँ कि लो चलाओ, तो तुम चला थोड़ी ना पाओगे. एक दो बार गिरोगे पड़ोगे जब भी तो चला पाओगे. ऐसा थोड़ा ना कि पहली बार ही बैठे और चला दी तुमने साइकिल. तो वही चीज़ पढ़ाई में भी होती है, अलग नहीं है दोनों, ठीक है? तो यहाँ गिर पड़ जाओ, यहाँ गलतियाँ कर लो ताकि उन गलतियों का तुम्हें समझ में आ जाए कि यार क्या गलती हुई, और एग्ज़ाम में फिर वो गलती नहीं हुई. तो जब मैं बोलूँगी वीडियो पॉज करके ट्राई करो तो ज़रूर करो ट्राई. चलो Ba+2 SO4 2 माइनस, दोनों पे 2 है तो 2 इधर 2 इधर, पर हमें पता है कि अगर दोनों पे सेम चार्ज होता है तो नंबर नहीं आता है सर, BaSO4 ही हो जाएगा. जब दोनों पे सेम चार्ज होता है तो नीचे नंबर नहीं आता है, ये बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में. अभी वापस सुन लो कि दोनों पे अगर सेम चार्ज होगा +2 -2 तो नीचे नंबर नहीं आएगा. अब बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की. जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ. Ca+2 हाइड्रोक्साइड OH- Ca+2 हाइड्रोक्साइड OH-, तो ये 2 इधर जाएगा और ये 1 इधर. तो सर Ca, अब OH2, तो इसे OH2 ऐसे नहीं लिखना है. इसका मतलब तो ये हो गया कि हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 ही है, लेकिन 2 तो पूरे के पास जाएगा ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे OH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इस पूरे के ऊपर 2 आएगा. समझ में आई बात? क्लियर? जब भी बड़ा वाला NaN हो तो पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा के फिर नंबर लिखते हैं हम. क्लियर है बात? ठीक है चलो नोट करो, नोट करो स्टूडेंट्स. देखो यार अभी थोड़े दिन कंस्ट्रक्शन चलेगा तो उसकी आवाज़ आएगी, अब उसका मैं क्या करूं.
हमें पढ़ने पे फोकस करना है, मेरी आवाज़ पे ध्यान दो, ठीक है। शोर तो हमें हमेशा होगा दुनिया में, लेकिन हमें लक्ष्य पे निगाह रखनी है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब Ca+2, कार्बोनेट मतलब CO3-2-, दोनों पे सेम चार्ज, सेम चार्ज आएगा तो नंबर नहीं आएगा, तो क्या फॉर्मूला बन गया CaCO3, क्लियर। अब एक काम करते हैं कि ये सारे तुम्हारे होमवर्क, ये सारे तुम्हारे होमवर्क, 5 मैंने करके बताए, अब 5 तुम खुद से ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट में बताना कि क्या क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब कुछ और देता हूँ मैं तुम्हें, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट फेरिक 11th, 12th, 13th, 14th, और 15th, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट आ गया क्या? लेड नाइट्रेट तो आ गया। एक ले लेते हैं कॉपर क्लोराइड, एक ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड, एक ले लेते हैं जिंक सल्फेट, ठीक है। चलो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या होता है भाई? सर कॉपर मतलब Cu, कॉपर दिया है केवल, केवल कॉपर दिया है तो Cu+2, सल्फेट SO4-2-, दोनों पे सेम चार्ज है तो CuSO4, कॉपर सल्फेट, समझ में आई बात। कॉपर सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, ठीक है, CuSO4। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक फेरिक Fe+3, ऑक्साइड मतलब 2-, सर ऑक्साइड 2-, ये तो आया ही नहीं, लास्ट क्लास में देखा था। और स्टाइल से टीपो, इन सब पे क्या चार्ज आएगा? -2, तो ऑक्सीजन पे आएगा -2, 3 इधर 2 इधर, तो क्या हो गया Fe2O3, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड क्या हो जाएगा? सर कॉपर मतलब Cu+2, कॉपर मतलब Cu+2, क्लोराइड मतलब Cl-1। फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर कल, कल मतलब क्लोरीन -1, तो -1 यहाँ आ गया तो 2 इधर 1 इधर, तो Cu Cl2, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम पे क्या चार्ज आता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप +2, सेकंड ग्रुप Ba+2, क्लोरीन पे -1, तो 2 इधर 1 इधर, BaCl2। तुम खुद से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हें वो लाइनें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें सीधे याद रह जाएगा कि यार बेरियम पे तो +2 ही रहता है, फिर एक मतलब Fe+3, जिंक मतलब Zn+2, सारा प्रैक्टिस का खेल है। जिंक सल्फेट, तो Zn+2, सल्फेट SO4-2-, तो दोनों तरफ सेम चार्ज तो ZnSO4, जिंक सल्फेट, समझ में आई बात, ठीक है। नोट कर लो और ये होमवर्क में करके लाना, सारे कंपाउंड्स कवर हो गए हैं। और अब तुम अपनी NCERT में जाके जो बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें उन्होंने इस तरीके से कंपाउंड्स के नेम दिए हुए हैं, उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना तुम्हें आ गया, ठीक है। चलो बाय।